हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम एक बेसिक सा रिटच करेंगे फोटो में और हमारी फोटो को काफ़ी हद तक बढ़िया बनाने वाले हैं। और ये सारा काम आज लाइटरूम में होने वाला है। अगर आप बिगनर हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके तो इस फोटो को हम एडिट करेंगे, रीटच करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही डाउन है। और सबसे पहले इसको मैं शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम ऐप के अंदर और वहाँ हम एडजस्टमेंट करके हमारी फोटो को बहुत ही बढ़िया बनाने वाले हैं। ओके तो फोटो आ चुकी है हमारी, हमने अपनी फोटो को ओपन किया है और अब यहाँ से हम सिंपली लाइट्स के ऑप्शन पे से यहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं लाइट काफ़ी प्रॉपर है, बट इसके हम हल्की सी लाइट को डिम कर रहे हैं। लाइट को डिम करने से क्या होता है, ब्राइटनेस को डिम करने से, कि जो डिटेल नहीं जो गायब हो चुकी होती है थोड़ी सी हल्की सी आ जाती है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा काफ़ी अच्छे से कॉन्ट्रास्ट बन जाता है कि हाईलाइट को हम पूरा डिक्रीज़ कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हाईलाइट्स को डिक्रीज़ करने से जो भी डिटेल चली जाती है वो वापस से आ जाती है, ठीक है। शेडो को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ओके इतना बहुत बढ़िया है। वाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा के और ब्लैक को हम कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा लाइट का काम हो चुका है, काफ़ी ऐसा कुछ हमने इसको कर लिया है, डिटेल्स पूरे लेके आ चुके हैं। अब हम कलर के यहाँ पर ऑप्शन में चलेंगे तो इसका वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे, ताकि वाइब्रेंस को बढ़ाने से क्या होता है, जो कलर जो होते हैं पूरे पॉपअप होकर दिखने लगते हैं। जहाँ जहाँ ब्राइट सिचुएशन की कमी होती है वहाँ पर ये पूरे प्रॉपर तरीके से आ जाता है। 34% तक बढ़ा लिया है। अब मिक्स के ऑप्शन में चलेंगे और फर्स्ट कलर आप देख सकते हैं इसका बेसिकली थोड़ा बहुत यूज़ है, तो इसको मैं थोड़ा सा बस इंक्रीज़ कर रहा हूँ। साइड वाले ऑप्शन चलेंगे और ये है मेन कलर हमारे फेस का। इसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिक्रीज कर रहा हूँ, देख सकते पूरा इफेक्ट हमारे फेस पे पड़ रहा है इसका। तो 12% तक इसके डिक मैंने ओके 10% तक कर लिया है। और इसको आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं कितना ये सही लग रहा है आपकी फोटो में, ठीक है। तो इतना कुछ मेरे हिसाब से ये बढ़िया है। आप अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ओके ये काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ कर लिया है इसको। अब साइड वाले ऑप्शन में चलूँगा मैं। सबसे पहले हम ग्रीन का ऑप्शन पे चलते हैं, ग्रीन वाले कलर में चलते हैं और पूरा इसके ह्यू को पूरा माइनस कर सकते हैं, कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी टोन आ चुकी है हमारी फोटो में। और सिचुएशन बढ़ा लो आप, ठीक है। 27% तक मैंने इसको बढ़ा लिया है। साइड वाले ऑप्शन चलेंगे, थोड़ी सी इसकी हम ह्यू को माइनस करेंगे और यहाँ पर सिचुएशन को भी बढ़ा लेंगे। और आप देख सकते हैं इतनी सी एडजस्टमेंट करने में हमारी फोटो की जो लुक है कितनी ही बढ़िया हो चुकी है, ठीक है। आप अगर ग्रीन लुक डालना चाहें तो ग्रीन भी ऐसा कुछ डाल सकते हैं, कितनी बढ़िया लग रही है। बट मैं इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ ऑरेंज हल्की सी डालने वाला हूँ, येलो टोन। और अब मैं साइड वाले इसमें ऑप्शन चलता है, इसमें कुछ करना नहीं है। साइड वाले ऑप्शन चल के मेरी शर्ट का कलर है, उसकी ह्यू को मैं हल्का सा माइनस कर रहा हूँ और इसकी सिचुएशन को मैं प्लस कर ले रहा हूँ कुछ इतना, ठीक है। अब ये दोनों कलर तो हमारे इसमें है नहीं, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली डन कर रहा हूँ। और अब साइड वाले ऑप्शन में आऊँगा तो इसके टेक्सचर को मैं सिंपली यहाँ से माइनस कर रहा हूँ 50% तक। अब आप देख सकते हैं हमारी फोटो पूरी स्मूथ हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया सी लगती है ये भी, ठीक है। और ऐसा कुछ करने के बाद आपको क्या करना है कि क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ा लेना है ताकि अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। और बिगनेट को मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ 21% तक। और फेदर को मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ओके फेदर को मैं इसको बढ़ा रहा हूँ 85% तक। और यहाँ पर आके शार्पनिंग हम हल्की सी इसको इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि हमारी फोटो जो शार्प हो जाए। अब देख सकते हैं आप कितनी शार्प हो गई हमारी फोटो, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने के बाद नीचे आता हूँ, नॉइज़ रिडक्शन डाल लूँगा थोड़ा सा मैं, और यहाँ पर कलर नॉइज़ रिडक्शन डाल लूँगा। और अब आप देख सकते हैं कितनी ही बढ़िया हो चुकी है हमारी फोटो। तो आप ऐसे कुछ नॉर्मल से एडजस्ट करके आप अपनी फोटो को ऐसा बना सकते हैं। अब लास्ट स्टेप जो बची आपको सबसे इधर आना है, सेलेक्टिव टूल्स को चूज़ करना है और यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऐसा ग्रेडियंट को चूज़ करना है और यहाँ से नीचे से ऊपर साइड ऐसा कुछ बना लेना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको लाइट में आना है, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस को हम इसकी सिंपली कम कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके इसकी ब्राइटनेस को मैं सिंपली कम कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बट इतनी हम कर लेंगे। और इस ऑप्शन में आके इसकी क्लियरिटी को हम बढ़ा लेंगे ताकि एक नीचे से अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। कि ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया सी लगने लगी है। ओके और यहाँ से सिंपली कर लूँगा राइट। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमने कलर यहाँ पर रीटच कर लिया हमारी फोटो को। यहाँ पर प्रॉपर हमारी फोटो रीटच हो चुकी है। बट अब हम इसको लेके चलेंगे स्नैपसीड ऐप में, लास्ट टूल। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप जैसे कि डॉज इन वन हम वहाँ पर उसको दे सकते हैं और हमारी फोटो और बढ़िया बना सकते हैं, तो कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको शेयर कर लूँगा, सेव कर लूँगा, सेव टू डिवाइस। ओके तो अब लेके चल रहे हैं हमारी फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर। ओके तो फोटो आ चुकी है हमारी स्नैपसीड ऐप के अंदर। टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना और ब्रश को ऑप्शन सेलेक्ट करना है और डॉज को डॉज इन वन को आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली आपको डॉज इन वन का इफेक्ट देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 5% रख के इसकी बर्न डॉज कर रहा हूँ और आइट साइड से इसको माइनस कर दूंगा -5 करके, ठीक है। ज़्यादा हम इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, -5 पे बढ़िया लगता है।
तो ऐसे करके आप अपनी फ़ोटो को पूरा बर्न डॉज एंड बर्न इफेक्ट दे सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। ये कि आप क्या होता है कि ये आपको आपकी फ़ोटो पे 3D लुक देता है, जिससे आपकी फ़ोटो और भी काफ़ी बढ़िया लगने लगती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको फेस पे और अपनी पेंट पे इसको यूज़ कर लिया है, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा टाइम देके करें तो काफ़ी बढ़िया सा लगेगा ये इफेक्ट। ठीक है, और मैं इसके यहाँ पर वैल्यू कर लेता हूँ ज़्यादा। ठीक है, अभी ऐसा कुछ हो चुका है, और मैं फेस में भी कर लेता हूँ। तो फेस में आपको सिंपली जूम करके वहाँ वहाँ इसको बढ़ा लेना जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी बढ़िया लगने लगा ये, और इधर मैं बढ़ा लेता हूँ और इसका माइनस कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे बियर्ड के पास आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी हमारा एडजस्टमेंट हो चुके हैं यहाँ पर, और सिंपली राइट कर लूँगा, टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल्स के ऑप्शन पर आऊँगा और हल्की सी इसकी डिटेल बढ़ा लेंगे। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ 22% तक रखा है मैंने, और हल्की सी इंक्रीज करके ओके 11% तक रख के मैं डन कर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ग्लैमिश ग्लो करके इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और हम इसकी वैल्यू को कम कर देंगे, इतना ही रखेंगे, और बस हम 19% रखेंगे और यहाँ से कर लेंगे सिंपली राइट। अब आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कितनी बढ़िया हो चुकी है, और बेसिक से यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट किए जिससे हमारी फ़ोटो काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। आप कोई भी कलर टूल डाल सकते हैं। ओके गाइस, तो यही था आज की इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।